क्लास थर्ड की हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट सेवन्थ, और ये आर्टिकल से रिलेटेड है। इसका फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए और एन। सिर्फ हमने सिर्फ यही फिल करने हैं, इसके अंदर द अभी यूज नहीं करना। और इसमें आया एन ईयर, ईयर में ई की साउंड आई, मीन्स ये वोवल है। ठीक है, वोवल जहां दिखाई दे जाए, स्वर जहां दिखाई दे, जो एन आर से स्टार्ट होते हैं उसके साथ एन आएगा। अब ये यूनियन है, ये आया, ये तो कॉन्सोनेंट है एन आर वाले, तो उसके साथ ए आएगा। मतलब जो ज्यादा होते हैं उसके साथ छोटा सा अंशवर, और जो थोड़े होते हैं उसके साथ बड़े वाला अंशवर। हाउस है तो ए आ जाएगा, यहाँ पर ए, फिफ्थ में एन, सिक्स में ए, सेवन्थ में एन, एट्थ में भी एन, नाइन्थ में ए, टेंथ ए, इलेवेंथ एन, और लास्ट में एम ए स्टूडेंट का एम ए। तो ये देखो, ये आया वोवल्स में। ठीक है, और कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद ए एंड द राइट एन ए वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। जहां पर आर्टिकल हमने यूज नहीं करना, मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो वहां पर एन ए हम लिख देंगे। जैसे वोटर है, मिल्क है, तो वहां पर हम कोई भी यूज नहीं करेंगे आर्टिकल। प्लीज सिट इन द फिफ्थ सीट ऑफ दिस रो। सेकंड में हो जाएगा द टोलेस्ट, द वर्ड। थर्ड में है द और द। फोर्थ में नो आर्टिकल, एयर है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। फिफ्थ में द, सिक्स में भी द, सेवन्थ में दोनों में द आ जाएगा, एट्थ में भी, नाइन्थ में द महाभारत, नहीं महाभारत इज अ ग्रेट बुक। टेंथ में द और ए। इलेवेंथ में नो आर्टिकल, और लास्ट में हो जाएगा ए, यूरोपियन। यह की साउंड आई, जो कि हमारा क्या है, व्यंजन। जो कैसे स्टार्ट होते हैं उनके साथ हमेशा ए लगता है। ठीक है,